Hello friends, so welcome back again. In previous lecture we have studied about the environment, various factors of the environment and different layers of the earth like lithosphere, hydrosphere, atmosphere, stratosphere, biosphere, and further we have discussed about the Gaia hypothesis and ecology. Well, after that we have discussed the concept of ecological hierarchy, and after that I have a detailed discussion about the ecological niche. I will try to explain it by taking some example so that you can easily understand the basic difference between the fundamental niche and realized niche. So hope you will understand all these things. If you are not, if you are watching this lecture first time, then you should have to have a review of my previous lecture. Just watch lecture number 2 or go through the playlist and check it out. Well, so today we are going to start with our ecosystem, dosto. So ab hum log shuru karne ja rahe hain dosto ecosystem se. To ecosystem ki hum log shuruaat karte hain dosto. To ecosystem ko simply main explain karun to ye complex relation hai. Ecosystem kya hai? Ek complex relationship hai biotic aur abiotic components ke beech, hai na? To matlab ये जो है इकोसिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स जो हैं और आपके अबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो वो फैक्टर्स हैं उनके आपस में कैसी रिलेशनशिप है, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है, तो उनके बीच का इस चीज को बोलते हैं इकोसिस्टम। ये ऑर्थर टेंसले ने इनको इस टर्म्स को दिया था, सर ऑर्थर टेंसले ने। और एक्चुअली क्या है, इकोसिस्टम के फीचर होते हैं, इसके अंदर नो डाउट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो है बायोटिक फैक्टर हैं, आपके पास एक अबायोटिक फैक्टर है, उनके बीच रिलेशनशिप है, तो कोई ना कोई इंटरेक्शन है और एक पर्टिकुलर प्लेस है मतलब जहाँ पे वो इंटरेक्शन हो रहा है। तो दीज फोर आर द फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम। सो वी कैन से दैट इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड दीज आर टेक प्लेस एट सम प्लेस। Well, now we are just moving through the ecosystem. Actually, this is the classification of the ecosystem, in which ecosystem is divided into further parts like biotic and abiotic factor. Biotic factor is further divided into three parts: autotrophs, heterotrophs, and decomposers. Well, friends, if we are talking about बायोटिक फैक्टर, आप जानते हैं लिविंग के बारे में डिस्कस हो रहा है, बायोटिक मतलब लिविंग के बारे में, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग के बारे में। तो वी ऑलरेडी नो अबाउट द नॉन लिविंग फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, रेडिएशन, ऑल दिस थिंग्स आर द अबायोटिक फैक्टर्स। वेल, नाउ वी हैव टू बी कंसेंट्रेट ओवर हियर द बायोटिक फैक्टर्स ओनली। सो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, समझे। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, स्पेशली लाइक प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, अपने ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खुद खाना बना लेते हैं, ये सनलाइट का यूज करते हैं और जो खाना बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th-10th में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं। तो खाना अपना पेड़ अपना ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस का यूज करके बनाते हैं ना खाना अपना। तो दिस इज वन क्लासिफिकेशन प्रोड्यूसर्स की एंड ऑटोट्रॉफ्स, एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है, हेटरोट्रॉफ्स को हम कह सकते हैं कि हेटरोट्रॉफ्स जो है वो जो कंज्यूम करते हैं, मतलब जो खाना बना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। जैसे ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स मतलब कंज्यूमर्स, जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे हैं, वो अपना खाना खुद ना बना पाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। सो यहाँ पर जो ये कंज्यूमर्स हैं, ये जो कंज्यूमर हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है ना, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर, अब ये कंज्यूमर्स में भी तीन कैटेगरी आ जाती हैं। तो पहली कैटेगरी मेरी कंज्यूमर्स की जो पहली कैटेगरी है वो जो है मेरी है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब आपने सुना हो हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी, है ना। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ग्रीन प्लांट वगैरह मांस मछली ना खाते हों। सेकंड कैटेगरी इज द कार्निवोरस, जो सिर्फ मांस मछली वगैरह ही खाते हों। और ओमनीवोरस जो है, ये जो कैटेगरी है ओमनीवोरस जो कैटेगरी है, दैट इज वो दोनों मतलब नॉन वेज और वेज दोनों पेल लेते हों, मतलब
है ना, तो मतलब ह्यूमन बींग ओमनिवोरस में आता है, वो क्या ग्रीन डायरेक्ट वो भी खा लेता है, तुम्हें पता हो ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो हम खाना वगैरह खाते हैं, व्हीट सीरियल्स वगैरह जो यूज करते हैं हम, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्बीवोरस, और सम नॉन वेज भी ह्यूमन बींग खाता है, मतलब नॉन वेज जो भी खाता है, तो दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस क्या है, मतलब सर्वाहारी, हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी, मतलब जो सारी चीज़ों को खा लेता है। अ कार्निवोरस मतलब दैट इज मांसाहारी, जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। दिस इज तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी लेवल बोलते हैं, पहले लेवल बोलते हैं। तो फर्दर इट इज डिवाइडेड इन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। मतलब कंज्यूमर भी कई टाइप के होते हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग सम फूड चेन, फॉर एग्जाम्पल यार वी आर टेकिंग ए फूड चेन दैट फ्रॉग स्नेक एंड ईगल। सो फ्रॉग प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी है ना, ये जो है मतलब इसके भी मान लो वो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं तो ये इंसेक्ट्स वगैरह को खा रहा है फ्रॉग, सो दिस इज द प्राइमरी। एंड आफ्टर दैट फ्रॉग को ये खा रहा है, दैट इज सेकेंडरी, और फिर ये जो खा रहा है दैट इज कॉल्ड ईगल जो है, दिस इज थर्ड ऑर्डर। सो दिस इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्निवोर्स। वेल वी शुड हैव टू बी कीप ऑल दिस कंसेप्ट इन अवर माइंड, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी आस्क इन अवर एग्जामिनेशन, एज पर द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन इज सेट बाई द UPSC एंड वेरी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया। सो दिस ली थिंग्स विच ऑलमोस्ट कम इन अवर 9th or 10th सिलेबस, सो आई डोंट थिंक देर इज गोइंग, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन। वेल स्टिल वी जस्ट हैव ए प्रिव्यू एज वी आर गोइंग थ्रू द ऑल द बेसिक्स फ्रॉम द फंडामेंटल्स। नाउ फर्दर, नाउ अब दोस्तों मुझे तुम्हें ये समझाना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। जो सन होता है, सन को मैं मान कर चलता हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़्यादातर जो सोर्सेस हैं वो सन से ड्राइव होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मतलब फॉसल फ्यूल्स हो या कोई भी हो, जितनी भी ज़्यादातर एनर्जी का जो सोर्स मैं मानता हूँ ऑलमोस्ट सन ही है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सबको प्रोड्यूस कर, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है वो उसमें रेडिएशन जो सनलाइट होती है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर गिरती है, प्रोड्यूसर्स उसका खाना बनाता है ना, बाय मेकिंग द यूज ऑफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके यहाँ पे खाना बन जाता है। तो सन से क्या लाइट को कैप्चर करता है, ये प्रोड्यूसर्स करते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, है ना, शाकाहारी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल घास, यहाँ पे ग्रास है, ग्रास के ऊपर सर पड़े उसने खाना अपना बना लिया, फिर हर्बीवोर्स डियर आ गया, डियर ने उसको खा लिया। तो और फिर उसके बाद जो है हर्बीवोर्स को जो खाने वाले होते हैं दैट इज कॉल्ड कार्निवोर्स, मतलब शाकाहारियों को जो पीलते हैं। फॉर डियर को पिल गया लोइन, तो दैट इज कार्निवोरस। तो ये क्या है कि ये वो जो है उसका नॉन वेज पिल, मतलब इसको खा लेते हैं, हर्बीवोर्स को खा लेते हैं, कार्निवोर्स मतलब हर्बीवोर्स को जो कंज्यूम करेंगे। अब क्या होता है, मतलब इसमें भी कार्निवोर्स में क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। तो कंज्यूमर भी के तीन कैटेगरी में ना, प्राइमरी जो पहली लेवल जो फूड चेन की पहली लेवल पे पड़ता हो दैट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी फिर टर्शरी। अभी हम उसको आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर ये किसी भी स्टेज पे मान लो कुछ भी सड़गल जाता है तो उसको एक अलग कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। हमने जो है पीछे जो है एक कैटेगरी हमने यहाँ पे देखी थी डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, जो भी डेड मटेरियल होते हैं, जो भी मतलब सड़गल जाती हैं चीज़ें, उनके कॉम्प्लेक्स उसको स्ट्रक्चर को डिकम्पोज करके सिंपल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि सड़ा गला खाना है आपको, वो सिंपली आपको क्या है उसको वापस से रिसाइकलिंग करके न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देंगे, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में वो अर्थ में मिल जाएगा और फिर से वापस वो न्यूट्रिएंट्स अर्थ से चले जाएंगे, फिर उसमें कुछ प्लांट वगैरह ग्रो होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स फिर वापस से ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसी किसी भी स्टेज पे मान लो कुछ चीज सड़गल जाती है तो डिकम्पोजर जो है उसको डिकम्पोज करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल न्यूट्रिएंट्स वगैरह में तोड़ देंगे और फिर इन न्यूट्रिएंट्स को वापस से जाके ये मतलब मिट्टी वगैरह में मिल जाएंगे, सैंड अर्थ में वापस से मिल जाएंगे और फिर जो प्रोड्यूसर्स इनका वापस से यूज़ करेंगे, फिर से दोबारा से उन न्यूट्रिएंट्स को ये लेंगी, मिट्टी लेगी और ये प्रोड्यूसर्स ग्रो होंगे वहाँ पे। सो फ्रेंड्स वेल सो इन दिस वे दीज आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम रिगार्डिंग टू द हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कार्निवोर्स। सो हैव ए लुक, इट इज अ सिंपल थिंग एज यू ऑल हैव स्टडीड इन अवर स्कूल डेज। वेल नाउ दोस्तों, इकोसिस्टम की फर्दर क्लासिफिकेशन को मैं सिंपली मोटे मोटे तौर पे करूँ तो दो हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम है जो खुद का भगवान ने बनाया और एक आर्टिफिशियल या मैन मेड है ना, या एक एक कैटेगरी और नहीं बना लो कि मैन मॉडिफाइड करके, है
ना, मतलब नेचुरली है, इंसान ने उसको मॉडिफाइड कर दिया है, वैसे मैं उसको भी आर्टिफिशियल की करूंगा। एक प्योरली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना, फॉर जैसे एक्वेरियम है, वो पूरी तरह क्या है, इंसान ने मतलब पूरी तरह आर्टिफिशियल बनाया है। एक क्या है कि मतलब कुछ को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉडिफाइड कर दिया है, रहने का हब वगैरह। सो दैट इज़ ऑल, दिस इज़ मैन मेड आर्टिफिशियल। वेल, नेचुरल इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, वन इज टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड इज मैराइन। मतलब जो लैंड पे होता है, तो दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लैंड का टेरेस्ट्रियल मतलब समझ लो, जो भी चीज़ लैंड पे, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। एंड मैरिन मतलब जो भी पानी से रिलेटेड है, मैराइन मतलब वाटर से रिलेटेड है। सिंपली टेरेस्ट्रियल है और एक मैराइन है, दो तरह के हमारे वो होते हैं। तो दीज आर द इकोसिस्टम। वेल दोस्तों, जो इकोसिस्टम होता है उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। ये क्या है ना, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम में, हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड, काफ़ी अच्छी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। तो ये क्या करता है कि ये वो एडवांटेज हैं, अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, ये वो फायदे की चीज़ें होती हैं जो इंसान नेचर से लेता है, या फिर जो भी लिविंग स्पीसीज है वो नेचर से फायदा पहुंचाती है। ऑल दीज आर थिंग्स आर नोन एज इकोसिस्टम सर्विसेज, वो एडवांटेज या बेनिफिट जो इंसान जो है नेचर से लेता है या फिर लिविंग स्पीसीज नेचर से लेती हैं, दैट इज कॉल्ड इको सिस्टम सर्विसेज। नाउ दिस सर्विसेज इज फर्दर डिवाइडेड टू द फोर कैटेगरी है ना, और दिस इज गिवन बाई एज पर मिलीनियम इको सिस्टम असेसमेंट 2005 है ना। तो ये इसके इसकी उसमें है, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं। सो दे आर द फोर कैटेगरी। दिस इज प्रोविजनिंग, मतलब इसका है उपलब्धता कराना, जैसे खाने खाने का मुहैया कराना, पानी वगैरह ये सारा प्रोवाइड करना। और दूसरा रेगुलेटिंग वाटर प्योरिफिकेशन, मतलब पानी को तुम्हें पता है इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, खाने का मैनेजमेंट करना, क्लाइमेट को कंट्रोल करना है ना, यहाँ पे गर्मी है तो कैसे वो मानसून वगैरह चेंज होता है, ऑल दिस थिंग आर रेगुलेटिंग। सपोर्ट करना न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह, उसको मेंटेन करते रहता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है जब हम खाते हैं, मतलब आपको पता हो प्रोड्यूसर्स जब खाते हैं भी 10% लो में पड़ेंगे हम उसको, ठीक है ना। और अगला है कल्चरल, कल्चरल सर्विसेज, मतलब कल्चर मतलब स्पिरिचुअल और रिक्रिएशन, मतलब वो टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा देता है और मतलब बनाती रहती है प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह। सो दीज आर ऑल द फोर कैटेगरी, फोर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम सर्विसेज। सो वेल नाउ दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज येट टू कम, दैट इज इको टोन। इको टोन बहुत जरूरी है दोस्तों। इको टोन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन जोन बिटवीन टू इको सिस्टम। मान लो ये मेरा दो इको सिस्टम है, ये लैंड का है, टेरेस्ट्रियल है ना, दिस इज मैराइन है, कोई ये वाटर का कोई इको सिस्टम है, तो ये क्या, ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो चीज ओवरलैप कर रही है ना, ये क्या है, ट्रांजेक्शन जोन है। यहाँ से मतलब एक इको सिस्टम ये है, इसमें कुछ स्पीसीज रह रहे होंगे जो इसको फेवरेबल करते होंगे, लैंड पे रहना सपोर्ट करते होंगे, ये क्या है वाटर के अंदर करते होंगे। तो ये जो बीच में ट्रांजिशन जोन है, इसमें दोनों टाइप के स्पीसीज मिल जाएंगी। मतलब ये जो आपका जोन था ना, ये वाला, ये जो मैंने इसको डार्क वो कर दिया है, कलर्ड कर दिया है, तो ये वाला जो जोन है आपका, यहाँ पर आपको जो दोनों मिल जाएंगे, ए के भी स्पीसीज मिल जाएंगे, बी के भी स्पीसीज मिल जाएंगे। और तो और कुछ, क्योंकि एक नया वहां पे क्रिएट हो गया है, नई कंडीशंस क्रिएट हो गई है वहां दोनों, और लैंड की भी अवेलेबल है, वाटर की भी है, तो कुछ स्पीसीज ऐसी भी वहां पे नहीं मिलेंगी आपको जो इन दोनों को फेवर करेंगी। तो होप कि आप समझ गए होंगे, इसी को बोलते हैं दोस्तों एज इफेक्ट भी बोलते हैं इसे, है ना। तो मतलब एज इफेक्ट, तो मतलब ये क्या होता है, बाउंड्रीज पे जाके जो वेराइटी होती है, डेंसिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो बढ़ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। मतलब ये जो बाउंड्रीज है यहाँ पर, और न्यू स्पीसीज यहाँ पे पॉसिबल होंगी, मैंने अभी आपको बता ही दिया है ना, मे पॉसिबल कि मतलब यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे एकदम नई कंडीशंस जनरेट होगी दोनों की, लैंड की भी यहाँ पे, वाटर की भी है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नई स्पीसीज ऐसी पैदा होंगी जो दोनों चीजों को फेवर कर रही होंगी, है ना। और जो ये स्पीसीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज। वेल होप यू विल गेट इट, जो स्पीसीज मतलब ये इस कंडीशंस को बनने की वजह से पैदा हुई है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज। होप यू विल गेट दिस पॉइंट्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। सो फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। वी हैव गिवन सिक्स फंक्शंस हियर, वन इज प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिकम्पोजिशन, सक्सेशन एंड बायोटिक इंट्रैक्शंस। वेल फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन वन बाय एवरी वन बाय वन, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एज यू पीपल नो दैट इट इज द डेड एंड डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मेटेरियल्स जो भी होता है, उसको ये एक अलग क्लासिफिकेशन है, डिकम्पोजर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको वापस से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ देते हैं। तो मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि आप सब जानते हैं डिकम्पोजिशन क्या होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द अबव फैक्टर वन बाई वन, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इकोसिस्टम के अंदर कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कितना वहाँ पे बायोमास पैदा हो रहा है, ड्राई वेट पैदा हो रहा है वहाँ पर, मतलब कितना वेट में. तो दैट इज द यूनिट होती है इसकी, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कितने ग्राम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया ईयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पर कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. समझ रहे हैं ना, मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है 1 किलोमीटर का, तो यहाँ पर कितना मतलब कि बायोमास पेड़ पौधे एनिमल्स वो भी जितने भी पैदा हो रहे हैं जनरेट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, कि ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से इसका मेजरमेंट होता है. तो दोस्तों ये फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये वो होता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तुम जानती हो कि ये वो है कि जो सनलाइट आपकी पड़ी हुई है ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर उससे उन्होंने खाना बनाया है, मतलब जो सनलाइट मिली ऑटोट्रॉफ्स को है ना उससे जो वो खाना बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. समझे आप? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो सनलाइट के ऊपर, मान लो कि ये मेरा लैंड का पार्ट है ना, और यहाँ पे ये मान लो ये मेरा सन है, तो मतलब ये सन की जो है ये एनर्जी पड़ रही है, तो जो इसकी एनर्जी पड़ रही है पहले तो सारी एनर्जी यूज़ नहीं करेगा, हम 1 से 5% के बीच में ये एनर्जी यूज़ कर पाता है जितनी उसके ऊपर पड़ती है, वो अभी हम देखेंगे. लेकिन फिलहाल इतना समझ लेते हैं हम लोग कि जो इसके ऊपर एनर्जी पड़ी और उसने खाना बनाया जितना टोटल, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, वन इज ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और सेकेंड वन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो देखो दोस्तों, जो जिसने जो है खाना बनाया जितना भी इसने खाना बनाया टोटल, तो वो तो बनाया ही बनाया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो है कुछ अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए भी तो यूज करेगा. फॉर एग्जांपल एक पेड़ है, ये इसने ऊपर से सनलाइट को यूज किया, यहाँ पर मान लो कोई एक पेड़ है, इसने ये जो है इस पेड़ ने कुछ सनलाइट को यूज किया, तो इसने अपना कुछ बायोमास टोटल जनरेट किया, मतलब सनलाइट को यूज करके जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड ग्रोस प्रोडक्टिविटी. लेकिन क्या ये सारा का सारा जितना इसने प्रोडक्शन किया वो अवेलेबल होगा सब आगे के ट्रांसफर के लिए? नहीं दोस्तों, आगे ये अवेलेबल नहीं होगा, खुद के भी तो मेटाबॉलिज्म है उसका, खुद को भी तो उसे रेगुलेटिंग करना है, उसे भी अपने अंदर खाना पहुंचाना है, ये जितनी प्रोसेस कर रहा है उसके लिए भी तो कुछ उसे एनर्जी चाहिएगी, कुछ ना कुछ उसे वो यूज करना है, क्वांटिटी यूज करनी है. सो दैट इज कॉल्ड जो आपका जो है अपनी खुद की जरूरतों को, मतलब रेस्पिरेशन की जरूरतों को पूरा करने के बाद जो टोटल प्रोडक्टिविटी बचती है दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस क्या है? जो टोटल कम बन रहा है हमारा, जितनी उसके ऊपर एनर्जी पड़ी, यहाँ पर जितनी उसके ऊपर एनर्जी पड़ी उसने जो टोटल बनाया दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट. लेकिन उसने कुछ अपने लिए भी तो यूज किया है ना, अपने लिए वाला घटा दें उसमें, जो अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज किया या अदर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया, उसको जो निकाल देंगे और जो हमें अवेलेबल होगा एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो वी हैव गिवन ए फॉर्मूला, ग्रोस ग्रोस ग्रॉस में से अगर मैं वो हटा दूंगा कितना मेरा यूज हो गया है ना, रेस्पिरेशन में कितना यूज हो गया है, अदर रेगुलेटिंग या मेटाबॉलिज्म में जो यूज हो गया है, जो इसके बराबर बनता है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी. वेल दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, सो यू कैन नोट इट डाउन प्लीज. वेल नाउ इन द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ना, तो अब वो फिर कंज्यूमर्स में कैसे अकुमुलेट होता है, मतलब अब इसको जो है ये पहले तो प्राइमरी ने बनाई दिया, प्राइमरी जो आपके वो हैं प्रोड्यूसर्स हैं, फिर उसके बाद कोई मान लो डियर खा रहा है, फिर डियर को लोइन खा रहा है, तो वो किस तरह मतलब खाया जा रहा है, वो तो कंज्यूमर्स की किस रेट से मतलब एसिमुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मतलब बना रहे हैं उसको बायोमास को. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. वेल नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द एनर्जी फ्लो. वेल फ्रेंड्स, बिफोर एक्सप्लेन द फर्दर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द एनर्जी फ्लो, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस द टू थिंग्स, वन इज फूड चैन एंड अदर अनदर इज फूड वेब. इट मे बी पॉसिबल दैट यू ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज टू पॉइंट्स इन अवर स्कूल डेज. फूड चेन वो कौन किसको खा रहा है, हु इट हुम है ना, सो दैट इज कॉल्ड फूड चेन, कौन किसको खा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया एक घास है, ग्रास है, ग्रास को खाया, ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नूक ने खाया, इसने को ईगल ने खाया, तो कौन किसको खा रहा है दैट इज कॉल्ड फूड चेन. लेकिन इन प्रैक्टिकल में ये एक चेन नहीं होती है, दरअसल बहुत सारी चेन आपस में इंटरलिंक होती है, दैट इज कॉल्ड फूड वेब. सो इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन या नेटवर्क ऑफ फूड चेन दैट इज कॉल्ड फूड वेब. तो ये फूड वेब होता है, मतलब ये क्या है, फिर क्या है, फ्रॉग को जो है मान लो ये स्नेक है, स्नेक को ईगल खा रही है, तो ये जो है मतलब यहाँ भी फ्रॉग को कोई और खा सकता है, अभी
मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मतलब इसमें कई इंटरलिंकिंग हो जाती है चेन, फूड वेब आपने ट्वेल्थ में पढ़ी होगी ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों। अब उसके बाद एक्चुअली दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क इन द पेपर, बट एक्चुअली दिस इज ट्रॉफिक लेवल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या क्या मतलब है, ये जो स्टेप्स है, एक फूड चेन है, ये एक स्टेप है ना, ये जो एक स्टेप होता है फूड चेन का, दैट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, है ना। एवरी स्टेप ऑफ द फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है ना, तो दिस इज ट्रॉफिक लेवल है। तो फूड चेन में ग्रास है, ग्रास को किस रखाया, मान लो वीट्स वगैरह हैं खेत में फसल होती है ना, तो सीरियल्स में तो माउस ने खा लिया, माउस को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को हॉक ने खा लिया, तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया इसको, दिस इज कॉल्ड हर्बीवोरस, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी हो गया कंज्यूमर स्नेक, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्शरी कंज्यूमर, है ना, तीसरे लेवल पे जो कंज्यूम कर रहा है, दिस कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर। वेल नाउ वी शुड हैव टू बी अंडरस्टैंड टू थिंग्स फ्रॉम दिस, तो बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम, आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। दोस्तों एक चीज याद रखना कि ये आपके प्रोड्यूसर्स हैं, एक एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा ऊपर के दो पॉइंट, ये मेरे दो प्रोड्यूसर्स हैं, मान लो एक ग्रास है मेरी, यहाँ पर ग्रास को खाया मेरे ने, मतलब ग्रास से, या मेरा मतलब सीरियल्स से फसल जो होती है आपकी वीट वगैरह की ले लो, तो उसको माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, गिद्ध ने खाया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, जो सन एनर्जी देता है, जैसा भी मैंने बताया आपको, जितनी भी एनर्जी डालता है अप्रोक्स 1% एनर्जी, 1 to 5% एनर्जी ये ले पाते हैं सन, है ना, तो उसमें जो है पहले जितनी भी सन देता है उसमें से बस लगभग 50% ही कंज्यूम यूज करने लायक होती है, विजिबल लाइट रे होती है, बाकी और कंपोनेंट होते हैं, सो उनमें से जो फिर उसमें से भी 1 से 5% जो है केवल ग्रास यूज कर पाती है ना, 1% के अप्रोक्स मान के चलिए आप। तो उसके बाद क्या होता है, इसने मतलब मान लो इस पे 1 लाख जूल है, तो 1% निकाल लीजिए 1 लाख जूल का, है ना, तो 1% आप निकाल लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 जूल, है ना, 1/10 ओके, दिस विल बी 1 किलो जूल एनर्जी। फर्दर जब ये माउस इसे खाएगा तो सिर्फ क्या होगा कि ये सिर्फ 10% एनर्जी इसकी ट्रांसफर होगी, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 100 जूल, यहाँ पर आएगा तो फिर इस पे जो लेवल पे जो एनर्जी होगी, यहाँ पे कितनी बची मेरी, यहाँ पे 100 जूल बची, अगर मैंने यहाँ पे माना था कि यहाँ से मेरा जो है 1 लाख जूल एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे मेरा जो है 1 के जूल एनर्जी मिली, अब इसका भी मैं 10% आगे लेके जाऊंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 100, तो अब फिर उसके बाद जो मैं आगे लेके आऊंगा फिर 100 का 10% निकालूंगा तो 10, और फिर लास्ट में जाते जाते जो है ये बचेगी, इसके लिए अवेलेबल एनर्जी होगी हॉक के लिए 1 जूल। सो अब प्रॉब्लम इज दैट कि भाई सर ये ठीक है आप बोल रहे हैं कि इसने इसकी सिर्फ 10% एनर्जी ली, तो बाकी की एनर्जी कहाँ है, तो वे इज द रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यार वो जो 90% आपकी एनर्जी है वो अपने हीट की फॉर्म में या फिर अनदर मेटाबॉलिज्म जो अपने परफॉर्म करते हैं वो उसमें खर्च हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी फ्लो। वेल नाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम फ्रॉम दिस, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू डिट्रस। सो वेल वेल फ्रेंड्स, तो वी कैन टेक द टू पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, वन इज इंपॉर्टेंट, द एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल हेयर, यू कैन इजिली टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, द एनर्जी फ्लो इज डायरेक्शन, और दूसरा ये जो 90% एनर्जी है, अगर आप कहें कि सर हम किसी तरह ऐसा हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर जो रिलीज हो गई है 90% एनर्जी, वो हम जो है वापस से रीयूज कर दे, नहीं वो कोई और प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे हम उस एनर्जी को रीयूज कर लें, फोटोसिंथेसिस ही अवेलेबल है जहाँ पर वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस फिर सनलाइट का यूज करके वो बनाएगा। सो दो फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, तो हमेशा याद रखना ये यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता हुआ चला जाता है, दैट इज वाई जनरली इट इज कंसिडर्ड एज द कि जो आपके शाकाहारी होते हैं हर्बीवोरस इज बेटर देन द कार्निवोरस, यानी बोलते हैं कि मतलब मांस मच्छी वगैरह नॉन वेज वगैरह कम खाना चाहिए वेजिटेरियन, क्योंकि वहाँ एनर्जी लेवल वहाँ पे जो ज्यादा अवेलेबल होता है इन कंपेरिजन टू द लेटर ट्रॉफिक लेवल्स। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस दीज टू पॉइंट्स, यूनिफ्लो ये यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी यूनिडायरेक्शन, एंड एनर्जी रिड्यूस एट द ईस्ट ट्रॉपिक लेवल, एंड 10% एनर्जी इज
approximate 10% energy is available for the next trophic level, whatever the energy produced available here. So this is called 10% law. Hope you will get this. Well friends, now after completion of this topic, now we are moving to the nutrient cycles and biochemical cycles. Aap jante hain nitrogen cycles hoti hai, carbon cycle hoti hai, phosphorus cycle, water cycle, sulfur cycle. Bachpan mein bahut padha hoga. We need not to be further detailed study of these cycles. If you want to be study, then just google it out and put it in your notes, but I don't think there is a need of it. Well, the important thing is that biotic interaction, this is important, really important friends. So we have to be explain biotic interactions. Dosto, ये इसकी छह कैटेगरी हैं, इनको थोड़ा सा एक बार समझ लेना है, बहुत आसान है ये, आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको नहीं होगा. म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंट्रैक्शन का फिनोमिना है कि जिसमें जो है दो लोग हैं, दो आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों बेनिफिटेड होते हैं. प्लस का मतलब मान के चलना बेनिफिटेड है, और माइनस का मतलब मान के चलना कि एक को नुकसान हो रहा है, और ये जो जीरो है उसको मान के चलना न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस पर. तो म्यूचुअलिज्म है ना. तो मान लो क्लास में दो बच्चे हैं, किसी के पास दो पेंसिल है, दूसरे के पास दो इरेजर है, तो आपस में समझौता हो जाए, तू मुझे एक पेंसिल दे दे, मैं एक तेरे को इरेजर दे देता हूँ, तो इक्वलेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब क्या, दोनों को फायदा हो रहा है उससे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फायदा होता है ना. सो ये जो है, अभी आप कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये म्यूचुअलिज्म वाला फॉर्म, कोरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वाटिक लाइफ में, जो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप म्यूचुअलिज्म वो फिनोमिना आप पढ़ेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा है ये कमर्शियलिज्म. कमर्शियलिज्म क्या है, कमर्शियलिज्म है. सो हियर वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर इज न्यूट्रल, एक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है तो ये हो रहा है, कोई फायदा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास 1,00,000 रुपए हैं, और सामने वाले बंदे को एक कोई उसके पास बंदा आ जाता है, उसे 10 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ही कैन गिव 10 रुपीज टू दिम. सो उसको कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, बट यहाँ पे इसको जो है इसको फायदा हो गया है. सो ये दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं बायोटिक इंट्रैक्शन के. तो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन. कंपटीशन आप जानते हो, दोनों तरफ से नुकसान होता है, दोनों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. और दूसरा है पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म आपने सुना ही होगा. पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि एक बंदे को तो फायदा होता है और एक को जो है नुकसान होता है. यहाँ पर क्या होता है, एक जो दूसरा बंदा है, मतलब दूसरी स्पीसीज वगैरह है, वो किल नहीं होती है. मतलब जैसे कि मान लो तुमने बचपन में देखा होगा ना कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब राउंड वॉर्म बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली द नेम, राउंड वॉर्म में भी होते हैं. तो वो क्या होते हैं कि आपकी बॉडी उनका होस्ट बन जाती है, वो पैरासाइट बन जाते हैं. तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेते हैं. तो वो क्या होता है, जो बॉडी को मिलनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो खुद पेल रहे होते हैं. तो क्या होता है पैरासाइटिज्म में, आपको उसको तो फायदा हो रहा है और आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आप जान से नहीं, खत्म नहीं हो जा रहे हैं. उसमें क्या है कि आपकी वो ग्रोथ रोक दे रहा है आपको, और आपको जो आगे बढ़ने का जो सर्वाइवल के चांस है, मतलब वो थोड़े से वो कम कर रहा है, आपकी ग्रोथ कम कर रहा है. सो दिस इज पैरासाइटिज्म है ना. तो आपके इम्यून सिस्टम वगैरह को कमजोर करता है पैरासाइटिज्म. क्या, एक को तो फायदा हो रहा है दूसरे, लेकिन होस्ट खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना. जो पैरासाइट है वो होस्ट को खत्म नहीं कर रहा है यहाँ पर. अगला है प्रेडेशन. प्रेडेशन मतलब एक बंदा दूसरे को, भूख लगी हुई है, शेर को लोइन मारना है, तो भैया उसे तो खत्म करना ही पड़ेगा. एक किसी ने जान दी, किसी ने जान ली, तो यहाँ पर जो जान लेने वाला है दैट इज लाइन, और देने वाला है आपका डियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन. सो अमीनसिलिज्म जो है उसमें क्या है, एक को नुकसान होता है और एक को न्यूट्रल रहता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं, तो बड़े बड़े पेड़ क्या हैं, वो क्या है, सारी सनलाइट को ऊपर ही ट्रैप कर लेते हैं, तो नीचे जो छोटे छोटे पेड़ मिलते हैं उन्हें वो मिलता ही नहीं है, उनको वो मिलता ही नहीं है, उनको सनलाइट वगैरह मिलती ही नहीं है, तो क्या उन्हें तो नुकसान हो रहा है ना. छोटे छोटे जो पेड़ हैं उसके नीचे, जो बड़ा सा पेड़ है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसको नीचे कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट मतलब एमिसलिज्म. सो मतलब एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे को नुकसान होता है उस चीज से. वेल दिस इज ऑल अबाउट द बायोटिक इंट्रैक्शंस. नाउ द अनदर पॉइंट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों, अगर किसी भी स्पीशीज के अंदर धीरे धीरे और एक
फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज आ रहे हैं, मतलब आपको पता है कि वो चेंजेस आने ही हैं, आगे आज इतना आ रहा है, कल इतना आएगा, परसों इतना आएगा, मतलब आपको क्या है धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं और प्रेडिक्टेबल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी सडन नहीं हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं, प्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं, तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन दोस्तों। तो इसकी जो पहली स्टेज होती है दिस इज पाइनियर, है ना, पाइनियर इसकी इनिशियल स्टेज होती है, फिर उसके बाद सीरियल होता है, सेकंड स्टेज होता है, मॉडरेट फॉर्म ट्रांजिशन पीरियड होता है जब उसका इवोल्यूशन हो रहा होता है, और उसके बाद क्लाइमेक्स आता है, फाइनल आता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। तो दोस्तों ये एक जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन के डिफरेंट स्टेजेस हैं, पाइनियर, सीरियल और क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स फाइनल स्टेज आ जाती है, मोस्ट स्टेबल होता है। दरअसल ये प्रोसेस सक्सेशन की बढ़ती कैसे, सबसे पहले तो कुछ भी वहाँ नहीं होता, लाइक बेयर सब खाली सुन्नाटा शमशान पड़ा रहता है, उसके बाद इन्वर्जन होता है, कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ नई नई चीज़ उसमें उगने लगती है, लोग आने लगते हैं, इन्वर्जन होता है, तो वहाँ पे वेजिटेशन में होने वेजिटेशन वहाँ की ग्रो होने लगती है और वहाँ एनिमल्स वगैरह वो सब आने लगते हैं, फिर उनके बीच में कंपटीशन होता है ना, उनके बीच में जबरदस्त कंपटीशन होता है कि उसके लिए कि मतलब दोनों इन लोग खाने पे डिपेंड है, एक ही चीज़ पे डिपेंड है, आप एक ही पॉपुलेशन मान लो ज़्यादा बढ़ गई तो वो क्या करेगा, फिर उनमें कंपटीशन होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से खाने के लिए, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। मैंने बताया था कल निच में, मैंने आपको बताया था कि दो स्पीसीज जब आपस में टकराएंगी या तो एक खत्म हो जाएगी, एक खत्म करके दूसरी डोमिनेट कर जाएगी, या तो उनके बीच में क्या है एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, भैया तू इतना खा तू मैं इतना खाऊं, मेरा इतना ये हिस्सा रहेगा, तो फिर उसके बाद एक मॉडिफिकेशन आएगा, एक परिवर्तन आएगा उस कंपटीशन के बाद में, और फिर उसके बाद क्या फाइनली स्टेबलाइजेशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो सक्सेशन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन इज प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सक्सेशन। सो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब वो है जहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, मतलब पहले जो है वो एरिया जहाँ पे पहले कुछ कोई लाइफ थी नहीं, वहाँ पे अगर सक्सेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद वहाँ पे प्लांट आ गए, एनिमल्स आ गए, पहले कुछ नहीं था उससे पहले कभी, है ना, और असडन फिर उसके बाद धीरे धीरे उस वहाँ पे क्या है प्लांट्स आए, फिर वहाँ पे एनिमल आया, फिर कॉलोनी बना ली अपनी, वहाँ पे कब्जा कर लिया धीरे धीरे। ऐसे ही सेकेंडरी में क्या होता है कि वहाँ इसका मतलब होता है सक्सेशन में कि पहले थे तो सही, है ना, या तो वो खत्म हो चुके हैं या फिर वो खत्म मतलब या तो पहले से वहाँ पे मतलब पहले थे वहाँ पे कभी, लेकिन या तो वो जो है ख़त्म हो चुके हैं या फिर किसी और स्पीसीज ने उनको साफ कर दिया है वहाँ से कर दिया था। सो मतलब कि किसी तरह वो है, इसका ये पॉइंट इसी का है दोस्तों कि कैसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जिंदगी मतलब वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं जो कभी वहाँ हुआ करते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी सक्सेशन। तो पहला समझ में आया प्राइमरी का मतलब है जहाँ पे कुछ नहीं था अब उसके बाद होना शुरू हुआ है, और सेकेंडरी का मतलब है वहाँ पहले था लेकिन वो किसी वजह से गायब हो गया फिर दोबारा से हो रहा है वहाँ पे। So this is all about succession. So succession is further divided into two part, autogenic है ना, biotic actions की वजह से जो होता है this is called autogenic, allogenic है ना abiotic factors की वजह से जो होता है, बस दो terms हैं देख लेना, कभी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। उसके बाद है हाइड्रेज सक्सेशन, मतलब ये दो कैटेगरी है ना, एक्सरेज और हाइड्रेज, मतलब इनमें क्या है जहाँ पे मॉइस्चर एग्जिस्ट करता है मतलब एक्वेटिक एनवायरमेंट में वो हाइड्रेज सक्सेशन होता है, एक्सरेज मतलब जहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता है, बेयर रॉक मतलब वैसे जो रॉक होते हैं एकदम सुनसान रॉक वाले। तो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेशन। वेल इकोलॉजिकल कॉरिडोर, एक्चुअली वी हैव टू बी स्टडी इकोलॉजिकल कॉरिडोर। वेल फ्रेंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल कॉरिडोर, तो हम क्या करते हैं कि दो मान लो दो हैबिटेट हैं, दो अलग अलग हैबिटेट हैं जहाँ पे एक अलग अलग वो रह रहे हैं लोग स्पीसीज रह रहे हैं, है ना, मतलब और दूसरे में एक दूसरी जगह, तो क्या करते हैं हम एक उनमें एक पाथ क्रिएट कर देते हैं उनके बीच में, ये दो अलग अलग हैबिटेट है। तो अब हमें पता है कि यार मतलब मान लो कि इंसान है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे मतलब कुछ करना है, चेंजेस करने हैं, तो क्या कर देंगे कि ये उनके लिए एक नया वो डेवलप कर देंगे, एक नया हैबिटेट डेवलप कर देंगे और उनको आपस में सीधे इंटरलिंक कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग, है ना, तो मतलब दो या दो से ज़्यादा हैबिटेट को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं ताकि जो है ये जो रिसोर्सेस है इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, है ना, तो उनके पॉजिटिव एक्सपेक्ट निकले, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स। तो ये तीन टाइप के होते हैं, लीनियर, लैंडस्केप और स्टेपिंग स्टोन। तो लीनियर का मतलब सीधे दो हैं, दो सीधे जोड़ दिए हैं, लैंडस्केप का मतलब है एक यहाँ पर है फिर दूसरा जो है नीचे की तरफ बना दिया फिर ये ऊपर की तरफ बना दिया, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे होके एक अलग अलग उनको जोड़ दिया एक। और स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब क्या होता है कि मतलब एक स्टेप यहाँ पे है फिर उसके बाद नीचे फिर उससे नीचे की तरफ स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड स्टेप स्टोन कॉरिडोर्स। सो नाउ फ्रेंड्स,
So finally, we are moving towards the last topic of our today's lecture, and very important lecture, that is ecological pyramid. So this concept is given by Elkton in 1927, and it is very important. Please remember that ecological pyramid ek tarika hai represent karne ka, है ना, या एनर्जी को, बायोमास को और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को. तो इससे हम उनकी स्ट्रेंथ को अच्छे से देख पाते हैं. तो अगर हम एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो मतलब जैसे एनर्जी ट्रांसफर है, तो सबसे नीचे क्या हो गया, नीचे लिख लिया हमने एनर्जी लेवल, जो पहला लेवल था यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रोड्यूसर्स हैं. फिर उसके बाद क्या आ गया मेरा यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स के बाद जो है यहाँ पे मेरा आ गया प्राइमरी कंज्यूमर आ गया. फिर मेरा ये क्या आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया. और यहाँ पे मेरा आ गया टर्शियरी कंज्यूमर आ गया, है ना. जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे, यहाँ पर मैंने मान लो ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नोक ने खाया, स्नोक क्वांटिटी, ये मान लो उसको स्नेक को खा लिया, इसने हॉक ने खा लिया. तो इस तरह लेवल्स बढ़ते हुए चले जाएंगे, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स रहते. तो एनर्जी सब याद रखो, ये जो ट्राइंगल बनाया दैट इज अपराइट ट्राइंगल, है ना, मतलब ऊपर की तरफ बनाया. ये देखो ये ट्राइंगल जो बना है ये अपराइट ट्राइंगल है. तो ये अपराइट होता है, तो इन होते हैं अपराइट होता है, एक इन्वर्टेड हो सकता है, उल्टा भी बन सकता है और मिक्स्ड होता है. तो एनर्जी का ट्राइंगल हमेशा याद रखना अपराइट बनता है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो बनता है, जबकि बायोमास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेस पे जो हम बनाते हैं वो मे बी अपराइट और इन्वर्टेड. सो बोथ केस मे बी पॉसिबल इन इन दैट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग कंसिडर्ड एग्जाम्पल अबाउट द एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ में का अगर आप देखोगे इंडिविजुअल के बेसिस पे, तो जो छोटी वाली जो फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और फिर उसके बाद बड़ी फिश, तो वहाँ इन्वर्टेड बनेगा आपका, है ना. तो मतलब जो छोटे वाले हैं वो ज़्यादा होंगे, फिर उससे कम होंगे. वेल नहीं 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 तो वेल बायोमास, हाँ सॉरी, बायोमास में क्या है, उल्टा बनेगा, वेट के हिसाब से बनता है, वजन के हिसाब से. तो एक्वेटिक लाइफ में ये इन्वर्टेड बनता है, जबकि फॉरेस्ट में क्या है, ये अपराइट बनता है. मतलब फॉरेस्ट में क्या है, छोटे वाले ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद कम होंगे, इस तरह बनता है. और इसमें क्या है, एक्वेटिक में क्या है कि मतलब व्हेल आपकी कम है, मान लो व्हेल बायोमास का मैं देख रहा हूँ, तो क्या है व्हेल का भी, मतलब आपकी व्हेल कम है, है ना, उससे छोटी वाली फिश है वो जो है उससे ज़्यादा है, ठीक है ना. तो इस टाइप से, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अपराइट और इन्वर्टेड बन सकते हैं. वेल बस ये याद रखना, एनर्जी का अपराइट होता है और बायोमास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल का इन्वर्टेड और अपराइट दोनों बन सकते हैं. ज्योग्राफिकल रिलीन्स, एक्चुअली क्या, जितना भी टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, जो अर्थ का जितना भी पार्ट है, लैंड पार्ट है, उसको क्या जनरली जो है ना, इन्होंने उसमें जो है मतलब 8 पार्ट में बांट दिया, जिन्हें बोला गया रिलीन्स. किस हिसाब से बांटा गया है कि जिस तरह इवॉल्व हुए हैं, उनके जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किस तरह इवॉल्व हुए हैं उसको देखते हुए ना, उनको 8 रिलीम्स में बांट दिया है. और देखा है कि उनका जो बायोटा है, मतलब कि जो उनकी ओरिजिन की हिस्ट्री है, वो जो बायोटा है वहाँ का, वो सेम काइंड का होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल रिलीम्स. इट इज फर्दर डिवाइडेड टू द 8 पार्ट, और इनका बेसिस क्या है वो मैंने आपको बता दिया. सो द लास्ट पॉइंट ऑफ टूडेज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 4 लॉज ऑफ द इकोलॉजी. यार मेरे लिए तो यार बड़े इंपॉर्टेंट लॉ है, मेरी लाइफ के लॉ समझता हूँ मैं इन्हें, है ना. बहुत मतलब काम की चीज़ें हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है. अगर इस चीज़ को समझ जाओगे तो समझ जाओगे कि वाकई नेचर, कुछ भी संसार में ऐसे ही नहीं हो रहा है, बाकी नेचर सारी चीज़ें चल रहा है. बैरे कॉमनर ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इनके टर्म्स को दिया था. तो सबसे पहला पॉइंट है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स. दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. कोई भी एक छोटी से इवेंट कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है ना. को दुनिया की कोई भी चीज़ है वो किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स. एवरीथिंग मस्ट गो टू समवेयर. हर चीज़ को कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है. नेचर नो बेस्ट. प्रकृति जानती है क्या बेस्ट है आपके लिए, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं. नो सच थिंग एज ए फ्रीलांस. कुछ भी इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलता है दोस्त. अगर 3-4 लॉज को आप अपनी लाइफ में उतर लेंगे तो मे बी यू विल बी अमॉन्ग द सक्सेसफुल पर्सन्स इन द हिस्ट्री. सो दीज 4 लॉज आर द इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉज. सो टूडे आई हैव टू बी स्टॉप माई लेक्चर हेयर, एंड टुमारो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड द वेरियस काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मोस्ट पॉबली द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इफ टाइम परमिट्स. वेल इफ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, देन माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज टू सब्सक्राइब माई चैनल. और दोस्तों इफ यू हैव एनी सजेशन और कमेंट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेशंस.
Anything else you want me from me, or anything I missed it out, please write it down in the comment section. Hope if you like my lectures, please share my lectures among your friends in your college so that maximum of people get benefit from it. So hope you please give your feedback, true feedback to me, so that I can understand whether I'm on right track or I have to make some changes. So this is my sincere request for you people. Your feedback is necessary for me so that I can change the appropriate actions. I can take the appropriate actions for that. Well, thank you so much. Have a nice day. Bye.